आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम 7 इंच के जुगल जोड़ी में उनका ये रंगीन ड्रेस बनाएंगे। देखिए कलरफुल ड्रेस है, कई कलर से मिक्स ये ड्रेस बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा। इनका ये पगड़ी भी काफ़ी प्यारा है। तो फिर चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चोली तैयार कर लेना है। चोली हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, लेकिन अभी इस पे हम बाँह नहीं बनाए हैं, बाँह हम बाद में बना लेंगे। और इसके बाद इसमें अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख चुके हैं, ये काफ़ी कलर मिक्स करके इस ड्रेस को बनाया गया है। तो आप लोगों की इच्छा पे हम इस ड्रेस को कुछ कलर मिक्स करके बना रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये कलर को यहाँ पे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 3 चेन ले लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया, अब 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया और 1 चेन से और एक बना लेंगे, तो हो गया हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन से एक बनाएंगे, फिर 1 चेन से एक बनाएंगे, यानी 2 बीच करेंगे हम, 2 बीच करेंगे और 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 फिर हम बनाएंगे, एक पर एक एक पर एक, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं ये 1 डबल क्रोशिया, फिर इस पे 1 डबल क्रोशिया और फिर अगली चेन पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो इस तरह से चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बिना फंदों को डबल क्रोशिया बिना बढ़ाए हुए एक लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कमर के पास में डोरी जाएगा, तो डोरी के पास हम जब डोरी यहाँ पे लगेगा तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे भी एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग बुनते ही हैं। तो फिर चलिए इस कलर से एक लाइन बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये तो एक लाइन हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए, अब ये दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 3 तीन चेन ले लिए। अब हमें यहाँ से बुनना है 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो बस ऐसे ही बुनते हुए हमें ये लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस कलर को भी बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो कलर हम चेंज किए हैं, इस बार देखिए रेड कलर लिए हैं और इसे भी हमें उसी तरह बुनना है, 1 चेन छोड़कर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बुनते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लिए। यहां हम उनको कट कर लेंगे, चलिए हम बाद में इसे कट कर लेंगे, अभी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखलाते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है अभी।
तो अब हम एक लाइन बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, फिर अगला लाइन में इसी तरह बढ़ाएंगे, करते हुए हम कुछ लाइन चलिए यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमें देना है, अब ये कलर देना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हैं। तो कलर देते हुए यहाँ से लेकर नीचे तक का लंबाई हम 5 इंच कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम इसे तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कहाँ हम कितना चेन डबल क्रोशिया बनाएं। सबसे पहले तो देखिए ये हम बना चुके, ये जो आप देख रही हैं चोली, चोली बना चुके। चोली में ये हम दो यहाँ पे दो लाइन दिए हुए हैं डबल क्रोशिया, और ये आउटलाइन एक दिए, साथ में इस तरफ भी बाँह में उसी तरह किए हैं चोली, ये बना हुआ है बाँह, ये दोनों बाँह में उसी तरह बनाए। और यहाँ पे आउटलाइन जैसा कि पिक में था इस कलर से आउटलाइन, इसलिए हम इसी कलर से आउटलाइन दिए। अगर पिक में इस कलर से रहता तो हम इस कलर से देते, लेकिन यहाँ चूंकि ये आपको ऑर्डर पर का पोशाक है, इसलिए जैसा था वैसा ही हम यहाँ पे डाले हुए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम आप लोगों को ये बतलाते हैं। देखिए यहाँ जो हम ये पीला कलर से बनाए, पीला कलर से इसमें एक बीच करते हुए एक चेन से दो डबल क्रोशिया किए, सेकंड लाइन में भी उसी तरह सेम किए, थर्ड लाइन में एक पर एक बनाए, फोर्थ लाइन में देखिए हम कितना दूरी पर बढ़ाए हुए हैं, यहाँ एक पर बढ़ाए हम, दो डबल क्रोशिया किए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद देखिए पाँच के बाद फिर से हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया किए, और उसके आगे लाइन में हम क्या किए, जो दो डबल क्रोशिया जहाँ जहाँ दो डबल क्रोशिया पड़ा है, पांच लाइन के बाद हम डबल क्रोशिया यहाँ पे देते गए हैं, तो जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया पड़ा है उस स्थान पे हम ये बीचों बीच से देखिए एक और डबल क्रोशिया बढ़ा लिए। फिर से बस हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना कि बढ़ाना हमें सिर्फ इसके बाद यहाँ इसी लाइन पर है बढ़ाना हमें, तो ये हम बढ़ाए यहाँ पे, इसके बाद बीचों बीच में एक बढ़ा लिए। फिर जब हम इस कलर से आए तो यहाँ बीचों बीच में ही एक चेन से देखिए दो डबल क्रोशिया किए, फिर इसके बाद यहाँ बीच से एक डबल क्रोशिया बढ़ाएं, फिर यहाँ पे देखिए एक चेन से दो डबल क्रोशिया कर लिए, इसके बाद हम कहीं भी नहीं बढ़ाए हैं, एक दो तीन, तीन लाइन बिल्कुल हम प्लेन बुने हुए हैं, कहीं भी नहीं बढ़ाए, घेरा हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, इसलिए हम नहीं बढ़ाए हैं। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब आप इस लाइन पे आए, जो ये है इस कलर से, जो है इस कलर से जब यहाँ पे आए, तो पांच डबल क्रोशिया के बाद आप यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया बुन लें, फिर पांच डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बुने, फिर पांच के बाद फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लें, और लास्ट में जब हमें इस कलर से देना था तो यहाँ पर हम तीन का एक पहले एक लाइन कर लिए, फिर इस कलर से इस चीज़ को हम बनाए। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम और भी वीडियो में बतला चुके हैं। तीन चेन पहले लेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया यहाँ पे इसी चेन से बनाएंगे, और फिर तीन डबल क्रोशिया यानी एक दो तीन, तीन के बाद यहाँ लाकर बंद कर देंगे, फिर से तीन चेन लेंगे, दो डबल क्रोशिया उसी स्थान से बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन के बाद यहाँ लाकर बंद कर देंगे। बस इसी ढंग से इसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पोशाक माता रानी का, राधा रानी का, इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और ये आउटलाइन हम दे लेने के बाद में पलट लिए हैं, पलटने के बाद देखिए आउटलाइन इस तरफ में जो कलर से था पिक में उसी कलर से दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक रेडीमेड डोरी डाले हुए हैं। तो ये जिस तरीके से हम ये राधा रानी का तैयार किए, ठीक उसी तरीके से देखिए हम कान्हा जी का भी तैयार करेंगे। तो देखिए कृष्णा जी का, तो कृष्णा जी में भी हम सेम चोली बना लिए, आउटलाइन भी जैसे हमें देना था जो कलर से उसी कलर से दे लिए। के बाद कृष्णा जी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है यहाँ पे जो हम बनाए हुए हैं। सो देखिए यहाँ पहला लाइन तो हम बिल्कुल सेम बनाए, दूसरा लाइन भी सेम बनाए, और तीसरा लाइन जो हम बनाए हैं यहाँ पे हमें बिल्कुल कहीं भी हम नहीं बढ़ाए हैं तीसरा लाइन से, मैंने यानी कि हम एक और दो, दो लाइन ही मात्र डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएं, इसके बाद एक दो तीन, तीन लाइन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएं, और चौथा और पांचवा लाइन भी नहीं बढ़ाएं, सिर्फ चौथा और पांचवा लाइन में हम क्या किए, क्योंकि इसका लंबाई पूर गया था इसलिए हम यहाँ पे तीन का एक किए इस कलर से पहले, फिर इस कलर से तीन का एक किए, और फिर से उसी आउटलाइन को हम यहाँ पर दे दिए। अभी हम आप लोगों को इसमें लंबाई चौड़ाई भी बतला देंगे कितना होना चाहिए। तो देखिए ये कृष्णा जी का ये कुर्ता बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम पहले पजामा डाल चुके हैं, पजामा,
और हम दूसरे चैनल पे पजामा का वीडियो भी डाले हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे आप चाहेंगी तो हम काफ़ी पहले 7 इंच के जुगल जोड़ी का भी ड्रेस डाले हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक साथ पूरा वीडियो मिलेगा पूरे ड्रेस का। तो वहाँ से भी आप चाहें तो पजामा हुआ चोली हुआ देखकर आप बना सकती हैं। तो ये हो गया उनका। अब देखिए ये उनका दुपट्टा बना हुआ है राधा रानी का। तो ये दुपट्टा का लंबाई आपको 10 इंच है, ये टोटल लंबाई 10 इंच है। और इनका ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए चौड़ाई कितना रखे हैं हम, 5.5 इंच चौड़ाई रखें। ऐसे आप 5 इंच भी रखेंगी तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम 5.5 इंच इसका चौड़ाई रखे हुए हैं और इसका लंबाई टोटल 10 इंच है। तो इसे हम कितना चेन से स्टार्ट किए, कितना डबल क्रोशिया लेकर बनाएं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25 तीन चेन और एक्स्ट्रा लिए थे, यानी 25 चेन से इसे हम स्टार्ट किए। और बुनते हुए इसे देखिए ये 1, 2, 3, 4 लाइन में पहले बुने, फिर से 4 लाइन में बुने, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में इसे बुन लिए इस कलर से, और फिर से इस कलर में 4 बुने, और इस कलर में हम कुछ यहाँ पे ज़्यादा बुने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एक लाइन यहाँ पे हम ज़्यादा बुने हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा दुपट्टा कंप्लीट हुआ। आउटलाइन हम ठीक उसी तरीके से दिए हुए हैं। अब इसमें मात्र हम पगड़ी यहाँ पे नहीं बनाए हुए हैं, देखिए हम पगड़ी किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे इसका, ये तो हम लंबाई चौड़ाई बता दिए आप लोगों को, दुपट्टा का लंबाई चौड़ाई बता दिए, पजामा आप देखेंगी तो पजामा का भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर भी इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 2.5 इंच आपको लंबाई होता है इसका पजामा का, और इसका हिप 3 इंच है और कमर 2 इंच है, यानी कि ये आपको होगा 3 इंच, ये 2 इंच और ये 2.5 इंच है पजामा का। और इनका ये कान्हा जी का जो चोली है, कान्हा जी और राधा रानी दोनों का जो चोली है, चोली का लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो जाएगा, चौड़ाई हम 2.25 इंच रखे हैं और कमर 2 इंच रखे हैं चोली का। अब इनका लहंगा, सॉरी पहले कान्हा जी का आपको ये चीज़ हम आप लोगों को बतला दें, लंबाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको 3 इंच हम रखे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंच रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया उनका कुर्ता। अब चोली इसमें भी हम बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हैं, सिर्फ लहंगा का लंबाई आप लोगों को हम यहाँ पे बतला देते हैं। तो इनका लहंगा का लंबाई है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच, लहंगा का लंबाई 5 इंच है। देखिए हम अभी आप लोगों को नाप कर भी दिखला देते हैं, ये देखिए ये 5 इंच है लहंगा का लंबाई, और इनका कुर्ता का लंबाई भी देखिए 3 इंच है। तो ये तो हो गया आपको, देखिए दोनों ड्रेस हो गया आपको, पजामा हो गया और ये दुपट्टा हो गया। अब चलिए अब हम पगड़ी इनका बनाते हैं। तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए यहाँ पे चूंकि कई कलर से बना हुआ है, तो पगड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 51 चेन ले लिए, 51 चेन ले लिए। 51 चेन लेने के बाद में हम एक पर एक डबल क्रोशिया बना लिए चौथा चेन से हुक को डालकर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ हम दूसरा कलर जोड़ेंगे। तो दूसरा कलर आप कोई भी जोड़ सकती हैं, हम यहाँ पे मात्र 2 कलर से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर ले चुके हैं, अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से, और 1, 2, 3 चेन ले लिए। अब एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस तरीके से इसे पूरी लंबाई में बुन लेंगे। देखिए एक चेन पे एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से बुन लेंगे इस तरह से। देखिए इसे हम 2 लाइन में कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम इस तरीके से लेकर, क्योंकि ये काफ़ी छोटे जुगल जोड़ी का है इसलिए इसे हम 2 लाइन में ही कंप्लीट किए, 3 लाइन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 7 इंच के
विग्रह का है। तीन लाइन अगर हम करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए दो लाइन में ही इसे हम इस तरीके से सिल देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ मिलाते हुए आपको सिल लेना है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं हम। देखिए सिलने का सबसे आसान तरीका है, इसे सबसे पहले ये जो दोनों छोर है, ये दोनों छोर को हम यहाँ पर लाकर मिलाकर सिल दिए। अब सिलने के बाद हम ऊन को ले जाएंगे। देखिए ऊन को हम इधर से ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। तो हम इस तरीके से अंदर की ओर से यहाँ पे ले जाते हैं। ये हो गया। अब इसे हम दोनों को यहाँ पे ये दोनों को मिलाते हुए हम सिलेंगे पहले। देखिए इस ढंग से, हल्का हल्का ही सिलेंगे। देखिए बस ये होना चाहिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए ये अब आपका पगड़ी का रूप हो गया। अब हमें चलिए कलगी बना लेते हैं। अगर आप इसके बाद यहाँ पे सिलना चाहती हैं तो एक हल्का सा यहाँ पे आप सिल सकती हैं, इस तरह से दोनों को जोड़ते हुए। देखिए यहाँ पे इस ढंग से आप सिल सकती हैं। अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, सबसे पहले तो नीचे की ओर से ले आते हैं इसे। अब देखिए अब हम इसे अगर आप इस साइड में भी सिलना चाहती हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी सिल सकती हैं आप, तो ये और भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलने का यहाँ पे डर नहीं रह जाएगा। तो हम इस तरह अंदर की ओर से इसे ले जाते हैं सुई को यहाँ तक। कट करने से अच्छा है कि हम अंदर की ओर से इसे ले जाएंगे। देखिए इस ढंग से, इस ढंग से हो गया। एक छोटा सा हम यहाँ नोट लगा लेंगे। अब चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। जब हम कलगी बना लेंगे तो फिर हम कलगी में, या तो आप इसी सुई ही रहने दें, इसी तरह से इसको रहने दें, कलगी बनाने के बाद फिर हम इसे सिलने का काम में लाएंगे। देखिए आपका ये फिलहाल इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए हम कलगी बना लेते हैं। तो देखिए कलगी बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से 3 कलर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये कलर लगाएंगे हम सर्किल बना लेने के बाद। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 5 डबल क्रोशिया। अब इसे टाइट कर लेंगे इस ढंग से। अब ये ऊन यहाँ हमारा कट हो जाएगा। ये ऊन अब हमें नहीं बुनना है, या तो आप एक लाइन और बुन सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम इसे और एक लाइन और बुनेंगे तो इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले इस पे नोट लगा लें एक, ताकि ये खुले ना। इस तरीके से लाएंगे और ये इस तरीके से नोट लगा लेंगे। अब खुलेगा नहीं ये। अब हम दूसरा कलर यहाँ पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाते हैं, इस कलर को लगा लेते हैं। यहाँ पे लाकर पहले जोड़ेंगे। अब बिल्कुल एक, सबसे पहले तो 3 चेन ले लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे।
एक चेन से दो डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से इससे भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा, एक और दो, फिर इससे भी बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर इससे भी बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, देखिए ये हो गया। अब इस ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे, साथ में इसे मिलाते हुए फिर से हम बुन लेंगे, ये हो गया। अब दूसरा कलर हम फिर से लगाएंगे, तो दूसरा हमारा लास्ट कलर है ये, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, एक दो तीन। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक बना लेंगे क्योंकि ये जितना फैलेगा उतना अच्छा है। फिर यहाँ से एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसे भी साथ में ले लेंगे, देखिए। फिर से प्रत्येक चेन से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इस पे हम यहाँ पे एक किनारे में बना लेंगे, तो चलिए हम बना लेते हैं। वो हम इसी कलर से भी दे सकते हैं, दूसरे कलर से भी दे सकते हैं, तो हम दूसरा कलर यहाँ पे लगा लेते हैं, देखने में कुछ अच्छा लगेगा। देखिए इस कलर को यहाँ पे लगाते हैं, या तो आप बॉर्डर नुमा बनाई हैं पूरे ड्रेस में, आप एक जैसा बॉर्डर दी हैं तो फिर इसे भी हम लगा सकते हैं। ड्रेस को ध्यान में रखते हुए हम इसे भी लगा सकते हैं, देखिए ये हो गया। अब हमें करना क्या है, एक दो यहाँ पे लाकर जोड़ देना है, फिर से यहाँ पे हुक को ले जाना है इस तरीके से, एक दो, फिर यहाँ पे ले जाकर जोड़ लेना है, फिर से पगल के चेन पे ले जाएंगे। अब देखिए आपको अगर लग रहा है कि ये दो काफ़ी छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे बड़ा कर सकती हैं, यानी कि तीन चेन कर सकती हैं, एक दो तीन। अब तीन के बाद यहाँ ले जाकर इसे जोड़ दीजिए इस तरीके से, फिर से अगला में ले जाइए हुक को, यहाँ भी तीन कीजिए, एक दो तीन, और यहाँ भी इसे इस तरीके से जोड़ दीजिए। तो बस इसी तरह हम चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सहज ढंग से बताए हुए हम आप लोगों को। इस तरह से ये आपका बनकर यहाँ कंप्लीट होगा, इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे और इसे यहाँ पे इस ढंग से हम सिल लेंगे। तो फिर चलिए इसे कंप्लीट करके हम दिखलाते हैं। तो देखिए इस तरह से इनका ये पगड़ी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।